गाइस वेलकम बैक एंड वेलकम बैक माय चैनल अश्वनी। गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरे नमस्ते। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे हमेशा। और देखिए माता रानी का दिन भी आ गया है, तो आज माहल्या है और माहल्या से पहले और माहल्या तक में हर घर पूरा एकदम क्लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि माता रानी का आगमन का सबको इंतज़ार रहता है। तो वैसे ही हमारे घर में भी इंतज़ार है। तो आज हमारे यहाँ भी देखिए होम क्लीनिंग हो रहा है। अभी मोनी सफाई कर रही है, घर को धो रही है, क्योंकि और भी मतलब कई दिनों से काम चल रहा था हमारे घर में क्लीनिंग का, तो मैंने वो सारा वीडियो शेयर नहीं कर पाई। पर आज मैंने सोचा कि आज हमारे घर का जो मतलब क्लीनिंग का जो काम है वो लास्ट है, क्योंकि आज चारों तरफ से धोने का काम है। तो इसलिए आज हमारे घर में पूरा धूल आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। एकदम मोनी शरब से एकदम मार मार के एकदम लगड़ लगड़ के धो रही है। देखिए अभी हाथ तक कर दीजिए। और इधर देखिए भाभी भी खाना बना रही है, क्योंकि काम के साथ खाना भी जरूरी होता है, तो इसीलिए भाभी बना रही है सब्जी और पूरी। तब तक इधर काम भी खत्म हो जाएगा। और किचन का क्लीनिंग कल ही हो चुका था, भाभी कल ही कर चुकी थी, तो इसीलिए आज किचन फ्री है। देखिए अभी इधर बाकी है बहुत सारा काम। और हमारे घर के जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो काम करने में माहिर है वो भी सोई हुई है, इसलिए हमारे घर में इतने शांत से काम हो रहे हैं। मन आप लोगों को भी पता है कि हमारे घर में काम कम होते और उनको संभालना ज़्यादा पड़ जाता। तो अभी सारे लोग मना रहे हैं कि अच्छा है वो अभी सोई हुई है, ताकि हम लोगों का काम जो है ना वो आसानी से हो सके, और मतलब वो शैतानी ना करे, क्योंकि मतलब सरफ के साथ जो धोना पड़ता है ना तो उसमें बहुत सारा फिसलन होता है, और उसे तो पता नहीं है, वो तो दौड़ के ही आएगी। तो अच्छी बात है कि वो सोई हुई है अभी, वरना वो गिरते रहती अभी। तो देखिए वो उठने के बाद क्या रिएक्शन होता है उसका, और वो अभी इतना सारा पानी होता तो भी छम 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 उसका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पानी मतलब नीचे में रहने पर वो छम छम अपना स्टार्ट कर देती है। तो देखते वो कब तक उठती है और हमारे घर का जो क्लीनिंग होता है वो कब तक फिनिश हो जाता है, तो देखते हैं चलिए। तो देखिए सभी लोग अभी इसे ही याद कर रहे थे और ये उठ भी गई, और सबको परेशान करने के लिए फुल रेडी है। धोएगी तुम बेटा बॉल? ईशा बॉल कहाँ से मिल गया तुमको बॉल? हाँ बिट्टू ऐसो ना बिट्टू रे मिंदी है। हाँ बिट्टू जाएगी, मन्ना देखो ना धो रही है, तुम धोएगी। देखो ना मन्ना पानी गिराई, छम छम नहीं करेगी अच्छा ना, करी बेटा करेगी ना तू? हाँ करेगी ना, हम जा रहे हैं पगली। क्या है तो अभी ये उठी है और अभी ये जस्ट उठ के आई है, तो इसीलिए अभी ये शांत है। कुछ देर में इसकी दिख जाएगी आप लोगों को असलियत, तो देखते हैं इसकी असलियत आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ क्या कर रही है ये? पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई देखिए किसी से पगली। तो देखिए हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया है, पूरा चारों तरफ साफ सफाई ख़त्म हो चुके हैं। तो बस अभी जो बाकी है वो बाकी है सिर्फ सामान को, जो सिर्फ मतलब जल्दी जल्दी साफ करके मतलब जो रखा गया है अभी उसको सहायता नहीं गया है, पूरा सेट नहीं किया गया है। तो हम लोग पहले अब जल्दी काम हो गया ख़त्म, तो अभी सब एक एक करके नहा के उसको जल्दी जल्दी सब नहा लेंगे तो फिर खाना खाएंगे। तो अभी मोनी लोग चली गई है नहाने के लिए, मोनी गई है इस नहाने के लिए, वो नहा के आएगी फिर एक एक करके सभी नहाएंगे।
उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो पहले हम लोग नहा लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि हमारा सामान कितना बिखरा हुआ है। तो पहले नहा के आने दीजिए। तो देखिए अभी हम लोग नीचे का काम ख़त्म करके खाना खा के नहा सुना के उसके बाद छत पे आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा काम ऊपर का बचा हुआ था, मतलब कुछ कपड़े बचे हुए थे जो कि अभी मशीन में डाल दिए। देखिए ये कपड़े भी धुला जाएंगे तो पूरे काम ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद काम रहेगा सहतने का, जो कि देखिए कितना बिखरा हुआ है अभी हमारा घर। ये तस्वीर भी पूजा रूम के पूरे निकाल के, पूजा रूम को भी पूरा खाली करके साफ किया गया है। ये सारा सामान है रखने को, जो कि अच्छे से एडजस्ट करके रखे जाएंगे। ये कपड़ा धुला हुआ है, बस अभी इसे समेट के नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे पर्दे हैं, कपड़े भी हैं, और बहुत सारे कपड़े भी यहाँ पे देखिए पसरे हुए हैं सूखने के लिए। इधर डोरमेट और मोनी भी कपड़ा धो ही रही है, और जो बचा हुआ है। और मोनी का आज बैंड बज गया है, काम करते करते आज बहुत सारा काम किए ये। अभी भी ये फ्री नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी इसको कपड़ा धोना है, वो लास्ट कपड़ा ही है ना, तो लास्ट कपड़ा ही धो रही है ये। इतना सारा तो छत बिखरा पड़ा है, और अभी बहुत सारे सामान नीचे भी अडजस्ट किए नहीं है, जो कि ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। तो हम अभी नीचे जाएंगे ना, तो आपको नीचे का भी दिखाएंगे सामान किस तरह से बिखरे पड़े हैं, जो कि एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट मतलब आज हो सकेंगे तो रात में हो जाएंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में पूरे सेटअप कर दिए जाएंगे, क्योंकि कल से पूजा स्टार्ट है। तो कल मॉर्निंग में जल्दी उठ के पूरे सामान को एडजस्ट करके मतलब पूरा सेटअप कर देना है रूम को, और भी मतलब परी का रूम जो है, तो परी का रूम भी सेट होने वाला है। तो फुल सेट नहीं होगा, पर थोड़ा सा सेटिंग किया जाएगा परी का। और इसको देखिए क्या कर रही है बदमाश लड़की, क्या कर रही है तुम। तो बाकी जो भी काम है कल मॉर्निंग तक में पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। मोनी का कपड़ा पूर्ण रूप से क्लीन कब हो जाते हैं। क्या कर रही है तुमके? अभी धुल रहे कपड़े, पास और किसी को धो पाती। मतलब मोनी कपड़े के साथ साथ इंसान को भी धोना चाह रही है, पर पता नहीं किसे धोना चाह रही है। क्या बोलो, क्या खाना है तुमको, बोलो ना बेटू। माजा पीना है और आइसक्रीम खाना है, और ये कौन है, कौन है तुम्हारे पास, दिखा दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो, क्या है आगे से दिखाओ ना, आगे से दिखा, सुंदर सुंदर। अरे अरे ये अपना गुड़िया को दिखा रही है, पर ये गुड़िया इसका नहीं है, इसके मम्मा और इसके डैडू को मिला था गिफ्ट, जो कि ये अभी लेके घूम रही है। क्या किसका है? मिला। झूठ, ये मम्मा का है। मेरा है। नहीं, तुम्हारा बर्थडे थोड़ी मिला था। मेरा टोपी भी है। टोपी पहनने से जबरदस्ती हो जाएगा क्या? हाँ। मम्मा का है। मम्मी चुना ना है ना? मम्मा को एनिवर्सरी में मिला था। मेला अभी चाचू लाया था। चाचू जबरदस्ती लेके आए थे क्या? मेला अभी इसका जन्मदिन है। चाचू लाया था जन्मदिन पे। मेला जन्मदिन पे मेला है। लाया था मेला जन्मदिन। तो आज बहुत सारा काम हुआ है, और मोनी तो काफी थकी हुई है। हमारे घर में बहुत सभी लोग थके हुए, क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो चलिए
बाकी के जो और भी काम है वो तो बाकी रह गए हैं, सारा चीज एडजस्ट करना वो बाकी रह गए हैं। और देखिए बाबू का रूम थोड़ा सा डेकोरेट हुआ है, इसका बड़ा वाला टेडी यहाँ रखा गया है बाबू का ड्रॉल पे, छोटा वाला टेडी और छोटा वाला टेडी, और एक टेडी जो था उसको धो दी है मोनी, और धो के वो सूखने दी, उसके बाद यहाँ पे रखेगी उसको, एडजस्ट करेगी। और बाबू ने इसे बहुत ज्यादा डर रही थी, बेटो ये तुमको बुला रहा है, परी कम ऑन परी। ओ अब नहीं डर रही है, देखिए नहीं तो बहुत ज्यादा डर रही थी ये। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और शेयर जितनी ज़्यादा हो उसकी उतनी कीजिएगा। और आप में से जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।